कई बार ऐसा होता है कि जो कैम नट है वो सीज हो जाता है कैम शाफ्ट में, जिसके कारण खुलता नहीं है और पुलर से भी नहीं खुलता और हथौड़े से भी नहीं खुलता। तो इस केस में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, ये देख सकते हैं। अभी हम इसमें वेल्ड करा रहे हैं, हीट करके इसको एक ऊपर में बोल्ट को ऊपर से जोड़ लेंगे और इस तरह से आसानी से खुल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट में बताइए। और ये देख सकते हैं कैम शाफ्ट हमने बाहर निकाल ली, इस पंप में क्या प्रॉब्लम है और क्यों हमने कैम शाफ्ट खोला है तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये थ्री सिलेंडर पंप है और ये इसका गवर्नर है, ये देख सकते हैं। अभी हमने हीट करके इसको निकाला है, अभी गर्म है इसलिए हाथ नहीं लगा रहे, तो इसे वॉश करेंगे, अच्छे से वॉश करके पता चलेगा इसमें। ये बॉडी है ठीक है। अभी ये जो पंप है ये महिंद्रा ट्रैक्टर का पंप है, थ्री सिलेंडर, ये देख सकते हैं। इसका जो पार्ट नंबर है वो है 357, इसका पार्ट नंबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं थ्री सिलेंडर पंप है और इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसका जो इंजन में डीजल चला जाता है इसकी वजह से खोल के लेके आया था। तो फिर बाद में हमने देखा इसको कवर खोल के, तो इसका स्प्रिंग जो था तीनों टूटा हुआ था, तीनों स्प्रिंग, जिसके कारण हमको बाद में खुलना पड़ा पूरा। और इसका जो डीजल गया था इंजन में वो एसी पंप से जाया गया था, यहाँ से फीड पंप से और इस तरफ से गया था कैम शाफ्ट के बस। तो हमने खोला है, जो ये स्प्रिंग है ये आप देख सकते हैं, ये तीनों स्प्रिंग टूटा हुआ है। ये टूटने का कारण यही है, इसमें जो ऑयल है वो नहीं डाला गया था मोबिल और डीजल जाके टूट गया और इसका कैम शाफ्ट भी ख़राब हो गया। यहाँ से इसका जो सीट है वो भी ख़राब हो गया पूरा, एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब ही है और यहाँ से भी ख़राब है, इसके लॉक का जगह भी ख़राब है, थ्रेड भी ख़राब है और इसका एलिमेंट भी ख़राब है, एलिमेंट डीबी और बेयरिंग, बेयरिंग एकदम निकलने वाला है ऐसा कुछ। तो दोनों बेयरिंग बदली करेंगे, कैम शाफ्ट बदली करेंगे, तीनों नोजल भी बदली किया है, नोजल भी ख़राब है। तो ये इसका नया सामान है, देख सकते हैं आप, ये इसका नया कैम शाफ्ट है, कैम नंबर है इसका जो 392। ये और ये इसका रोलर बॉल भी ख़राब है कैम शाफ्ट के साथ, ये जो स्प्रिंग है इसका और ये इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट नंबर जो है वो है 610 और डीबी इसमें 031 लग जाएगा सेम है। तो ये ख़राब होने का यही कारण है, इसमें जो मोबिल है वो नहीं डाला गया था पंप में, इसमें मोबिल रहता है ऊपर, डीजल तो सिर्फ इसमें इस वाले पार्ट में रहता है, यहाँ से डीजल अंदर घुसेगा और यहाँ से ओवरफ्लो लाइन है और यहाँ से होल्डर से बाहर निकलेगा, बस यहाँ इस पार्ट तक डीजल रहता है और बाकी जो सामान है ये मोबिल में रहता है। और इसका हमने कैम शाफ्ट जो इसका गवर्नर निकाला है तो बहुत मुश्किल से निकाला है, क्योंकि इसका जो कैम नट है, इसका जो कैम नट है वो सीज हो गया था, तो ऐसे खुल नहीं रहा था, कूलर से भी नहीं खुल रहा था और थोड़े से भी नहीं खुल रहा था। फिर हमने इसको कैसे खोला तो आप वीडियो में देखोगे कैसे हमने खोला, इसका एकदम सीज हो गया था यहाँ पर। तो फिलहाल हम पंप को फिट कर लेते हैं।
Gracias.